फ्रेंड्स, इवनिंग क्लास में आपका स्वागत। और जो आज का हमारा विषय है वो है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी, यानी कि सामान्यता की अवधारणा। कल हमने काफी कुछ इस पे चर्चा की थी और इस चर्चा के साथ साथ हमने कुछ साइकोलॉजिकल इंडिकेटर्स आपको बताए थे। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से हम सामान्यता को कैसे देखते हैं। अब बात आती है, अब हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य से सामान्यता को कैसे देखते हैं। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हम जब भी कोई किसी भी अवधारणा को, किसी भी कंसेप्ट को आपके साथ शेयर करते हैं तो उसको हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। हमने मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से तो देख लिया, अब बात आती सामाजिक पर। सामान्य व्यवहार वह होता है जो समाज के अवधारणों का उल्लंघन नहीं करता है, यानी कि जो समाज के नियम हैं उनका अगर आप उल्लंघन नहीं करते हो तो समाज में आपको एक सामान्य व्यक्ति कहा जा सकता है, सामान्य व्यवहार वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। और कहते भी नहीं, आप अपने घर पे रहते हो, पढ़ने लिखने जाते हो, आराम से काम करते हो तो आप सामान्य हो, कोई कहने वाला आपको नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई आप असामान्य घटना करोगे तो आपको असामान्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए बहुत अच्छी बात है, अधिकांश समाजों में पुरुषों द्वारा सार्वजनिक रूप से रोने को उचित नहीं माना जाता। अब देखो, अब कि ये क्या बात हुई भाई, ये तो बड़े मजेदार बात हमारी है कि हम जो पुरुष है वो सामान्य रूप से समाज में रो नहीं सकते। कैसे बात हुई, इसका क्या मतलब हो गया? ये देखो कि मान लिया जाए आप साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, बाइक आपकी टकरा गई, कहीं गिर गया और चोट लग गई तो आप रोओगे। वो तो कहेंगे यार लड़का हो गया तो रोता है, शर्म कर, है ऐसे चोट लगती रहती। लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़की और रोने लग जाए तो बेटी कोई बात नहीं, चोट लगती रहती, रोते नहीं, शाबाश शाबाश, उसको कोई नहीं कहेगा लड़की होगी तो रोती है। तो ज्यादातर समाज में इस बात को कि इंसान आदमी ओपन में किसी समाज में कहीं कोई घटना हो जाए तो रोए तो उसको उचित नहीं माना जाता। ठीक है, बावजूद इसके इसे मनोवैज्ञानिक सामान्यता नहीं माना जा सकता। सामान्यता की अवधारणा सामाजिक प्रस्वीकृति का परिणाम होती है। मतलब कोई व्यक्ति सामान्य कब हो सकता है? जब वो सामाजिक स्वीकृति उसके साथ हो। सामाजिक स्वीकृति का मतलब आप वो सारे काम करें, वो सारे व्यवहार करें जो कि समाज उनको स्वीकार करता है, तो हम उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से सामान्य व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये एक तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाज की। अब कुछ जैसे हमारे मनोवैज्ञानिक संकेतक थे ऐसे ही हमारे कुछ सामाजिक संकेतक भी। पहली बात वो कौन कौन संकेत? हाँ जी बताइए। सर इंग्लिश में नहीं है? इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, आई कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू। नाउ देयर आर सर्टेन सोशल इंडिकेटर्स ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, व्हाट आर दैट? फर्स्ट, द कंफर्मेशन ऑफ बिहेवियर बाय द सोसाइटी। Means whatever behavior you are manifesting in the society, if that society conforms to that behavior, conforms means attest to that behavior, that means you are normal. अगर आप कोई व्यवहार करते हो और समाज उस व्यवहार की पुष्टि कर देता है, पुष्टि करने का मतलब है नहीं कि हर कोई हर बार आपके व्यवहार की बात पुष्टि करने आपके पास आएगा करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से बाहर निकलते हो और आपने ठीक ठाक कपड़े पहन रखे हैं तो आप घर से निकलकर, गली से निकलकर आप अपने बस स्टैंड पर या गाड़ी से कहीं पर आते हो तो कोई आपको कुछ नहीं कहता है। कुछ नहीं कहने का मतलब है कि द सोसाइटी इज कंफर्मिंग टू योर बिहेवियर। और वही दूसरी बात, आज किसका एग्जांपल दो भाई, बताओ, टेल मी द नेम, किस का एग्जांपल दो? हिमांशु का कल हो गया, धीरज का हो गया, लक्ष्मी का हो गया, लिसा का हो गया, प्रीति का हो गया था, और बताओ कौन रह गया? कशिश रहेगी। चलो आज मजा आएगा कशिश के साथ। ठीक, आज फंसी हुआ क्या कि सर आपने कल दिया था मेरा एग्जांपल। ना ना, अब कोई चक्कर नहीं कशिश, अब तेरा नाम आ गया, अब तो हम तेरा एग्जांपल। हाँ ठीक,
हुआ क्या कि अब कशिश है अपना बैग उठा के और अपना फोन लेके घर से निकली है और स्कूटी उठाई, उठा के कॉलेज आ गई। किसी ने इसको रोका टोका नहीं। तो दिस मीन्स जो कशिश का बिहेवियर है ना, दैट इज कंफर्म्ड बाय द सोसाइटी। समाज ने उसकी पुष्टि कर दी, किसी ने रोका नहीं तो ठीक ठाक वो आ गई। लेकिन एक दूसरा रूप देखो कशिश का। कशिश घर से बाहर निकली, दो चार स्टाइल मारे और नाचने लगी वह गेट के बाहर, और नाचते कूदते हंगामा कर रही, हो हा सुर सराटा, कोई आ रहा है उसको उसको कभी धक्का दे दिया, किसी को कुत्ता आ गया उसको लट पिया दिया, इस तरह से करते हुए वो गली में घूम रही। क्या होगा बोलो भाई? प्रीति बता क्या होगा? अरे प्रीति से पूछ रहा हूँ, कशिश की दोस्त है। सर वो ऐसे पागल ही है, ऐसे करती रहती है वो। अच्छा ऐसी करती रहती है? देखो मैं तो नहीं, ऐसे नहीं कर सर सकता। देखो आपने कभी देखा है मुझे ऐसे करते हुए? ना बेटी, अभी नहीं तो तो 2 साल हो भाई तेरे दोस्त बता रहे हैं तो तेरे दोस्त की बात मान लेता हूं। चलिए ठीक, अब क्या होगा कि गए। जो उसके आसपास के लोग, इस लड़की को क्या गया, या देर इज समथिंग रॉन्ग विद बिहेवियर, मीन्स पीपल विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग यू, स्टार्ट कन्फ्रंटिंग यू, आपको रोकना शुरू कर देंगे। बोलो तो क्या करे, इतनी बड़ी लड़की हो गई, सब हरकतें क्यों कर रही? दिस मीन्स दैट सोसाइटी हैज नॉट कन्फर्म टू दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, उस व्यवहार का समाज ने माना नहीं, पुष्टि नहीं की। कारण क्योंकि वो सामाजिक मानदंडों से दूर है, सामाजिक मानदंडों के विपरीत बिहेवियर है। तो दिस मीन्स अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है तो दैट इंडिविजुअल इज सर्टनली टर्म्ड एज अबनॉर्मल, असामान्य कराया जाएगा। तो पहला सोशल इंडिकेटर है समाज द्वारा व्यवहार की पुष्टि। समाज में सांख्यिकी रूप से सबसे अधिक बार होने वाली घटना को सामान्य माना जाता है। बड़ी टेक्निकल सी बात, मीन्स द इवेंट विच इज स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट एंड रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड मैक्सिमम टाइम्स इन द सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल। ये क्या हो गया? सपोज देर इज अ डॉग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और देर इज अ काउ इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, व्हाट यू डू? यू गो टू योर होम इन साइड योर किचन एंड ब्रॉट सम वेजिटेबल्स, आप कुछ खाने की चीजें लेके आओगे एंड यू विल ऑफर दैट टू द डॉग, कुत्ते को डाल दोगे। सिमिलर द केस विद द कार। अब यू फाइंड इफ एवरी वन डूइंग द सेम बिहेवियर विद द डॉग दैट इज विजिटिंग टू हिज और हर हाउस, दिस मीन्स स्टेटिस्टिकली दिस बिहेवियर इज कॉमन एंड इट सेवरल टाइम्स इट्स हैपन। लेकिन कुछ जोकर ऐसे भी होते हैं, कुत्ता घर के सामने आया, उसको पत्थर दिया, लात दी और डंडा मार दिया, बट दैट बिहेवियर इज नॉट अकरिंग रिपीटेडली मोर ऑफन, मैक्सिमम टाइम ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। ज्यादातर लोग कैसा व्यवहार करते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी स्ट्रोंग बात है कि हमारे, हम मानते हैं भारतीय संस्कृति के लोग ये मानते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, कि घर के दरवाजे पर अगर कोई मांगने वाला आ गया ना, उसको हमें अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना कुछ उसको देना होता है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ जोकर भी है, व्हाट दे डू वो उसका उल्टा व्यवहार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो स्टैटिकल रूप से अगर हम देखें, 100 लोगों को हम देखें तो 100 लोग मैक्सिमम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ऐसी स्थिति में, उसे हम अगर उस व्यवहार को हम सामान्य मान लेते हैं। अब आप देखें पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में क्या, मेरे को याद है कि जब हम गांव में रहते थे तो अगर हमारे घर में सब्जी नहीं है तो हम पड़ोस में जाके दादी से, चाची ताई से पड़ोस सब्जी मांग लेते थे। कटोरी, दादी सब्जी बनाई है, किस चीज की बनाई है? हाँ बेटा आज तो कुछ नहीं बनाया, चटनी बनाई, चल दादी वही दे दे थोड़ी सी। हमारे टाइम ऐसा होता था ना, उस सी द कंडीशन। अब हम शहरों में आ गए, उसी सब्जी को अगले दिन हम फेंक देते हैं, है ना। लेकिन हम दूसरे घर मांगने नहीं जाते, अरना कोई मांगना है तो उसको देते हैं, दे तो देते हैं लेकिन कोई मांगने नहीं जाता। अनाउंसिंग द सिचुएशन, किस प्रकार से समाज के मायने बदलते रहते हैं। ओके, तो जो चीज पहले सांख्यिक रूप से सबसे ज्यादा होती थी उसको सामान्य मानते थे। सब्जी मांगना कोई नहीं कहता था कि यार सब्जी, या कई बार रोटी मांग लेते, हमारी दादी दूसरी दादी घर से पड़ोस में रहते, दादी आज भूख लगी स्कूल से हम आए थे तो हमारे घर में तो रोटी नहीं है, ठीक है बोले ये ले लीजिए खा ले। लेकिन अगर आप ऐसा दूसरे घर में जाते हो तो क्या सोचेंगे, पहले दिन तो हो सकता है खिला दे, एक दो दिन और अगर ऐसा करते हो तो कहते हैं भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ इनके घर। नाउ सी कि किस प्रकार से समाज के मायने समय के साथ बदलते जाते हैं और जो सबसे अधिक बार होने वाली घटनाएं हैं वो बदलती जाती हैं। दिस वे और
सांख्यिकी रूप से अगर सब ज्यादा घटनाएं होती हैं तो उसको हम सामान्य मान सकते हैं। अगला द नेक्स्ट इज द सोशल इंडिकेटर, सामाजिक समायोजन में कुशलता, स्किल इन सोशल एडजस्टमेंट, मीन्स यू हैव अ appropriate skill to adjust with the society and social norms. That's a wonderful thing. जो आदमी किसी भी समाज में बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाएगा, that means उस individual के पास there is a skill for the adjustment. What do you mean by adjustment? समायोजन क्या होता है? समायोजन का मतलब यहां पर है समय के साथ साथ आपका जो आसपास का एनवायरमेंट है उसमें आप ढल जाए। सपोज यू आर अपॉइंटेड एज ए सिलेक्टेड एज ए यूपीएससी इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज, नाउ आफ्टर यू एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड ऑल यू विल बी सिलेक्टेड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मदुरई डिस्ट्रिक्ट, आपको मदुरई डिस्ट्रिक्ट का डीसी बना दिया गया तमिलनाडु में। नाउ टेल मी यू आर स्टेइंग फॉर लास्ट टू इयर्स, तो यू विल स्टार्ट बिहेविंग, यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू द एनवायरमेंट, to the people, to their culture, to their food habits, as the Tamil people do. Jitna jaldi aap adjust wahan par hoge, that will show your skill. So that is the important point here, means the skill in social adjustment. The individual who has a higher level of skill in adjusting with the immediate environment or social environment, that considers as a normal behavior. But if you go to the Tamil Nadu and you start searching for your bhai bhais ka taza doodh, मिलता है तमिलनाडु, इट इज अवेलेबल देयर, बट आप स्टार्ट सर्चिंग भाई जैसे हमारे यहाँ पर रोटी का है, सब चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, देयर यू विल फाइंड मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आर जो है दे आर फ्रॉम द राइस, ठीक है, सो दैट यू विल फेस प्रॉब्लम, सो यू हैव टू एडजस्ट एज पर दैट नॉर्म दैट सोसाइटी। अगर आप जितना जल्दी एडजस्ट हो गए तो आपको यू विल कंसिडर एज ए नॉर्मल, ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट कम्स सामाजिक अनुकूलनशीलता, मीन्स सोशल अडेप्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, समायोजन और अनुकूलन, ये दोनों चीजें अपर डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। एडजस्टमेंट मीन्स यू आर एडजस्टिंग विद द करंट इन्वायरमेंट, वेर अडेप्टेशन मीन्स यू आर अडेप्टिंग द करंट इन्वायरमेंट। व्हाट द डिफरेंस, आपको उसे देख ही बात हुई, एडजस्टमेंट का मतलब है उस इन्वायरमेंट के अनुसार आप ढल गए, ठीक हो गया, और अडेप्टेशन का मतलब है उस एनवायरमेंट को आपने अडॉप्ट कर लिया। सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल दिया था आपको मदुरई का, सो व्हेन यू गो टू मदुरई यू विल फाइंड दैट पीपल विल हैव इडली बड़ा उत्पम और दाल बड़ा समथिंग समथिंग सांबर मसाला चटनी और इन दैट ब्रेकफास्ट विद वेरी टेस्टी कॉफी, ब्रेकफास्ट में वो करते हो। अब आप जाओ ब्रेकफास्ट में आपको तो भाई चाहिए मुझे तो चार पराठे इतना सारा घी और बढ़िया से ये बनना चाहिए, बट शुरू शुरू तो लगेगा, बट टाइम विद टाइम यू गेट एडजस्टेड विद दैट एनवायरमेंट। बट अडेप्टेशन क्या होगा, यू स्टॉप दैट फूड, आपने पराठे खाने छोड़ के यू स्टार्ट ईटिंग देयर लोकल ब्रेकफास्ट, जो लोकल जो नाश्ता है आपने वो लेना शुरू कर दिया, तो दैट इज वो होता है अडेप्टेशन। और आप वहां रह गए, घुल मिल गए सबके साथ, तमिल भी आपने सीख ली, वणक्कम करना सीख लिया, वणक्कम मतलब पता क्या होता है, नमस्कार प्रणाम, ठीक है, आपने सब सीख लिया, ठीक, और लेकिन खाना आपने अपना ही रखा, दैट इज एडजस्टमेंट, आपको कोई परेशानी नहीं वहां पर, बट टेक योर यूजिंग योर ओन फूड, दैट्स अ काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, बट यू हैव वहां पर रहना भी शुरू कर दिया और यू स्टार्ट टेकिंग देयर फूड इन योर ब्रेकफास्ट, दैट इज योर अडेप्टेशन। सो दिस इज अ क्रूड डेफिनेशन, मुख्य रूप से मोटी मोटी बात इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन योर एडजस्टमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी, क्लियर। सो द नेक्स्ट सोशल इंडिकेटर इज सामान्यता एक औसत व्यवहार होता है, मींस द नॉर्मलिटी इज एन एवरेज बिहेवियर। व्हाट इज एवरेज बिहेवियर, मतलब आपके गली मोहल्ले में जो टोटल 20 आदमी रहते हैं, 20 में से 18 आदमी एक जैसा व्यवहार करते हैं, दो आदमी अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि व्हाट इज योर एवरेज, एवरेज मीन्स 18 पीपल हैव वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर, सो दैट बिहेवियर इज नोन एज द नॉर्मल बिहेवियर, गेटिंग माई पॉइंट। सो इफ इन योर
locality or vicinity, if someone is behaving, if someone's behavior is equivalent to or conforming to the every behavior of your mohalla, then that individual is normal. यानी कि सामान्य अगर व्यवहार है और सारे लोगों का जो औसत व्यवहार है वो भी सामान्य है, तो उसको कह सकते हैं कि व्यक्ति सामान्य व्यवहार करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सामाजिक परिप्रेक्ष्य से या उसके कुछ मार्क उसको कह सकते हैं इंडिकेटर्स, देवर दी सोशल इंडिकेटर्स ऑफ नॉर्मलिटी। अब आता है कुछ मापदंड, कि मापदंड मतलब ये दीज आर द इंडिकेटर्स, इन इंडिकेटर्स के माध्यम से वी कैन टेल, वी कैन असेस द इंडिविजुअल इज नॉर्मल और अबनॉर्मल सब्जेक्टिवली, हम अंदाजा लगा सकते हैं उस इंडिकेटर के माध्यम से। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो कुछ चीज ले लेता हूँ आपसे, ये ले लेता हूँ, किताब ले लेता हूँ, ये आपको दिख रही होगी, यू कैन सी द बुक, है ना, किताब देख रही। अब मैं आपसे पूछूं कि इस किताब की लंबाई क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बुक, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक एन क्राइटेरियन, जो फिक्स क्राइटेरिया, आप स्केल लेंगे, जो रूल होता है ना वो लेंगे, उससे मापेंगे। That rule is a fixed criterion. वो एक मापदंड है, क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार से सामान्यता है, जो नॉर्मलिटी है, उसके मापन के भी कुछ मापदंड होते हैं, समथिंग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। अब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, बड़ी संख्या में सामान्यता का आकलन करने के लिए 4D की अवधारणा पर सहमत है। There are 4 D's. Based on these 4 D's, the psychologist diagnose the normality. Whatever the first one is the deviance. यानी कि जो व्यक्ति अपने व्यवहार में इन 4D का प्रदर्शन नहीं करता है उसे आमतौर पर सामान्य माना जाता है। याद रखना, ये प्रश्न आ सकता है कि भाई कितने डी का प्रदर्शन कर, सामान्य व्यक्ति को कितने डी का प्रदर्शन करना चाहिए, बताइए 1, 2, 3, 4, बताइए कितने का प्रदर्शन करना चाहिए भाई? 4 सर। कौन बोला सर? कितना? 4 सर, 4D सर, 4D। 4D 100 तो नहीं है भाई तुम। मेरा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति सामान्य होगा उनमें से वो निम्नलिखित में से कितने डी का प्रयोग करेगा, डेवियंस, डिस्ट्रक्ट, एक है? एक भी नहीं, नहीं करेगा। अरे फिर सो गए तुम लोग, जाके नहीं रे, क्या पूछ दिया तुम लोग, मैंने एक क्वेश्चन पूछा से तो पूछ सो गए। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये नहीं है भाई, यहाँ पर जागते रहो, है ना, बीच बीच में कभी 8 बज रहे हैं, सर कहेंगे 8:30 हो गए सर, तब तो चिल्ला रहे। माय डियर फ्रेंड्स, बी अटेंटिव, मैंने आपको बताया है पहले भी, क्लास मैंने एक दो बार ली है, तो द मोर द यू लिसन टू माई लेक्चर द बेटर यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। आप याद कर सकते हैं चीजों को, रट सकते हैं कंसेप्ट, आपको तभी समझ में आएंगे जब आप फेस टू फेस लाइव क्लास लेंगे जो अभी चल रही है। यू कैन सी माई फेस इजिली एंड यू कैन हियर माई वर्ड्स, साइमल्टेनियसली दोनों चीजों को ध्यान दें आप। मतलब कि वेन एन इंडिविजुअल डू नॉट मैनिफेस्ट एनी ऑफ दीज डीज, चारों में से किसी भी डी का प्रदर्शन वो नहीं करता है, that time we can say that individual is behavior is normal. Clear cut indication. So what are these 4 D's? So कौन कौन से 4 D हैं वो? विचलन है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं deviance. These 4 D's means the first letter of these 4 words: deviance, distress, dysfunction and danger. So what is deviance? विचलन. विचलन क्या होता है? Different from the normal behavior. जैसे for example, आपने जब शुरू में साइकिल चलानी सीखी होगी तो रोड पे आप जब चलाने गए होंगे तो रोड पर एक सफेद पट्टी की लाइन लगेगी साइड में, तो आपने दोस्तों के साथ छत लगाई होगी, चलो देखते हैं कौन इस पट्टी पर साइकिल चलाता है, ठीक। Now you will see, you will find that while riding your bicycle on that white strip, that your cycle is frequently deviating. कभी इस लाइन के इधर जा रही है, फिर आप इधर बीच में ला रहे, इधर जा रही है इस टाइप से,
दैट जिगजैग टाइप ऑफ मोशन मोशन होता है, उनको दिखाई नहीं देता है लेकिन ज्यादा करेगा दिखेगा आपको. दैट इज नोन एज यू आर डेविएटिंग फ्रॉम दिस व्हाइट स्ट्रिप. मीन्स यू आर डेविएटिंग फ्रॉम दिस, उस सफेद पट्टी से आपका विचलन हो रहा है. दैट इज द डेविएंस. नेक्स्ट कर संताप, डिस्ट्रेस, अप्रिय और परेशान करने वाला. मतलब कहने का मतलब यहां पर है यू आर डिस्ट्रेस्ड, अर्थात आप कॉलेज में आए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म साइन कराना है और मेरा ही सिग्नेचर होना है, मैं आपका मेंटर ग्रुप में हूं और आपके मेरे सिग्नेचर बिना प्रिंसिपल मैडम साइन नहीं करेगी और उस फॉर्म को स्कॉलरशिप का फॉर्म है एंड यू आर गोइंग टू गेट 50,000 स्कॉलरशिप फ्रॉम दी सम ICSR कहीं नेशनल बड़ी इंस्टीट्यूशन से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है और आज उसको लास्ट डेट है जमा करने. प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट कर लिया, मैडम करे नो यू हैव टू गेट इट साइन विद योर मेंटर ग्रुप मेंटर. ओके नाउ योर मेंटर इज माई सेल्फ. और पता चला कि राजेश सर कावला छुट्टी थे, हो गया पूरा. नाउ इन दैट कंडीशन सी योर सिचुएशन, हाउ मच डिस्ट्रेस यू आर. आपने इतनी मेहनत से फॉर्म भरा और आप एलिजिबल हुए, आपके 98% नंबर आ रहे हैं, तब आपको 50,000 की स्कॉलरशिप मिल रही है और एक सिग्नेचर के माध्यम से, डॉक्टर राजेश मतलब नहीं है, उनके सिग्नेचर नहीं होने से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो यू आर अंडर डिस्ट्रेस. संताप आपको होने लगता है. ये नॉर्मल स्थिति है. मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि व्हाट इज डिस्ट्रेस, संताप क्या होता है, उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है. ऐसी स्थिति में अगर आपको डिस्ट्रेस होता है जिसमें यू आर नॉर्मल ह्यूमन बींग, बट बिना किसी बात के आपको डिस्ट्रेस हो जाए, सुबह से हम आप डिस्ट्रेस में रहे, आप परेशान ही रहे, दिस मीन्स यू आर अप्लाइंग एटलीस्ट यू हैव सिम्टम्स ऑफ 1D. आपके अंदर 1D के आपके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं. इस मीन्स अगर आपके अंदर 1 भी D है, इंडिविजुअल यू आर नॉट नॉर्मल, आप सामान्य नहीं है. ओके द नेक्स्ट वन है स्थिरता, यानी कि डिसफंक्शन. व्हाट इज दैट? फंक्शन का मतलब होता है कोई भी कार्य करना. आप कोई काम करते हैं, कार्यात्मक काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, नॉर्मल फंक्शन आप कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लेइंग सम गेम और आपके राइट हैंड में यहां पर झटका आ जाएगा, तो आप हाथ को ऐसे करके रहेंगे. नाउ देयर इज अ डिसफंक्शन विद दिस हैंड. ये हाथ आपका कुछ दिन के लिए काम नहीं कर रहा, बड़ा दर्द हो रहा है, अरे मरे यार बहुत दर्द हो रहा है इसमें, ऐसे करेगा. दिस इज डिसफंक्शन. इसी प्रकार के इफ इन योर बिहेवियर इफ यू मैनिफेस्ट सम काइंड ऑफ डिसफंक्शन डेली एक्टिविटीज के अंदर, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, दिस मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ द डीज. एंड आई टोल्ड यू इफ एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम वन ऑफ दीज 4 D's और ऑल द 4 D's, दैट इंडिविजुअल इज नॉट नॉर्मल, दैट इज अबनॉर्मल. सो गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, शिथिलता. नेक्स्ट कम्स डेंजर, खतरा. ये क्या होता है? इफ यू आर इंडल्जिंग इन अ टाइप ऑफ बिहेवियर एंड दैट बिहेवियर इज डेंजरस टू द अदर्स, दैट बिहेवियर इज नॉट नोन एज द नॉर्मल, इट इज नोन एज द हाउ इट इज. देखिए अगर आप ऐसा व्यवहार करते हैं कि आपका व्यवहार दूसरे के लिए खतरा बन सकता है. फॉर एग्जाम्पल you are driving your bike, riding your bike with a speed of high speed in a local gali mohalla, aapke mohalle mein jahan par sab bacche khelte rehte hain, sab aap badi tezi se bike nikalte hain, this means your behavior is considered as abnormal. Hindi mein batao ji, English mein samajh mein koi nahi aaya ji. Haan bahut, main dono bhasha mein bata raha hu, are aa raha tha Hindi mein, Hindi wala mazedar example de raha hu. Ab aap dekhenge ki aapke मोहल्ले में आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बुलेट बाइक ले रखी है और उसका साइलेंसर बदलवा लिया है और बड़ 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 की आवाज करते चलता है, तो दिस मीन्स वो जो व्यक्ति है वो दूसरे की मानसिक, अगर वो कितनी बढ़ से करके आपको निकल जाता है, कितना गुस्सा आता है, तो वो क्या है, उनका जो व्यवहार है दूसरे के को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए उस व्यक्ति के व्यवहार को हम सामान्य नहीं कह सकते. तो इसका मतलब उसमें एक डेंजर नाम से एक डी है. सो दिस इज द पॉइंट आई वॉन्ट टू मेक.
that if you have any one D or all four D in your behavior, certainly you cannot be considered as a normal. अर्थात इन चारों में से आपके अंदर कोई एक D है या चारों D उपलब्ध हैं, विचलन, संताप, स्थिरता या खतरा, तो व्यक्ति को हम सामान्य नहीं कटिंग माई पॉइंट. आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. कोई और? हाँ भाई, समझ में आया? ये देखो, ये मानदंड थे आपके, इन चारों डी के आधार पर आप बताओगे. अब देखो, ये फोटो मैंने अपनी फोटो लगाई हुई है, दिख गई फोटो आपको? यस सर. हाँ सर, आप बताओ, सामान्य व्यवहार है क्या? मैं ऐसी ड्रेस पहन के कॉलेज में आ जाऊं? जा सकते, पोज दे सकते सर ऐसे. नहीं, पोज तो दे सकते भाई, मैं पूछ रहा हूँ ड्रेस पहन के कॉलेज में आ जाऊं क्या? सामान्य व्यवहार बेटा, मुझे यही चाहिए था आपसे, इसलिए मैंने फोटो लगाया है. ये जयपुर के जो अंबेर फोर्ट में ना, वहां पर आपसे पैसे लेके 200 रुपए राजस्थानी राजा महाराजनी ड्रेस में ही फोटो खींचते हैं आपका, ठीक है? तो उस तरह आप खिंचवा सकते हो स्टाइल में, तो इसलिए मैंने लगाया कि ये असामान्य व्यवहार होगा मेरा, ठीक. नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज फोर डीज विच यू डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड, वेर आर देयर फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब जो चार डी हमने पीछे डिस्कस किए, इनके अलावा भी हमारे कुछ मापदंड है. वो क्या होते हैं? पर्यावरण के संदर्भ में व्यवहार, मींस योर बिहेवियर इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट. इसका उदाहरण सबसे बढ़िया ये है, जब बहुत ज्यादा गर्मी में आप स्वेटर पहन के आ जाओ, या बहुत ज्यादा ठंड में आप हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के आ जाओ, मींस योर बिहेवियर इज नॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. जो आपका आज का वातावरण है, उस देश के संदर्भ में आपका व्यवहार नहीं है. ये तो मैंने फिजिकल एनवायरनमेंट की बात की, आपका जो सामाजिक पर्यावरण है, वो आपका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण हो, उसके अनुरूप अगर आप व्यवहार नहीं करते हैं, तो भी व्यक्ति को असामान्य कहा जा सकता है. सेकंड क्राइटेरिया जो है, वो चार दिन को छोड़ के, दूसरों पर व्यवहार का प्रभाव वेरी इंपॉर्टेंट वन. खास करके टीचर्स के व्यवहार का स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. जो टीचर है, जिस प्रकार से बोर्ड पर टीचर अक्सर लिखता है, ए बनाता है, एफ बनाता है, बी बनाता है, बच्चे उसको देखकर अगर उनको पसंद आ जाए तो वैसे ही बनाना शुरू कर देते हैं. और आपने भी स्कूल टाइम में ऐसी कोशिश की होगी, क्लियर? ये है, दिस मींस आपका व्यवहार दूसरों पर किस प्रकार आपका प्रभावित आप करते हो, मींस क्लियर? तो वो भी वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मलिटी. देन कम्स सार्वजनिक व्यवहार की अभिव्यक्ति का एक पैटर्न, मींस देयर इज अ पैटर्न ऑफ यूनिवर्सल या सोशल बिहेवियर. अगर आपका एक समाज के अंदर व्यवहार करने का एक पैटर्न है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल, समाज में जैसे बड़े बुजुर्ग, हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है, बहुत तेजी से लुप्त हो रही है, मुझे नहीं पता उसका क्या कारण है, कि हम जो बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनके पैर छूते हैं, और चारपाई पर जब बैठते हैं तो चारपाई के दो एंड होते हैं, एक सिराना होता है, एक हम तो भाई पांद बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, जहां पर रस्सी बंधी होती. तो जो उम्र में छोटा होगा ना, वो सिराने की तरफ नहीं बैठेगा, सिराने को जगह छोड़ के बैठेगा. ये हमारे अंदर संस्कृति, कुछ वैल्यूज है, कुछ मूल्य है. तो अगर आप इस प्रकार का एक सामाजिक व्यवहार का अभिव्यक्ति करते हो, एक्सप्रेस करते हो, कि आप किसी के घर जाओ तो जब चारपाई पर बैठो तो सिराने को छोड़कर बैठो, तो हो सकता है आपसे बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति आए तो सिराने की तरफ बैठे. गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, दिस मींस यू आर कंफर्मिंग टू द सोशल नॉर्म्स. इन सामाजिक जो आपका व्यवहार है, वो एक उसका एक खास पैटर्न है, उसको फॉलो करते हो. सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दी सोशल, दैट इज नोन एज दी नॉर्मलिटी. देन कम्स दी सेल्फ मैनेजमेंट, स्व प्रबंधन. आप अपने का, स्वयं का जो प्रबंधन करते हो, मैनेज करते हो, योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर स्पीकिंग स्टाइल, योर ईटिंग स्टाइल, योर वॉकिंग स्टाइल, योर ड्राइविंग स्टाइल एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल एंड योर हेयर स्टाइल, है ना? ये इफ दीज आर कन्फर्मिंग टू द सोसाइटी, मीन्स इफ यू कैन डू योर मैनेज योर सेल्फ बेटर, आप अपना जो स्व प्रबंधन है, अपना आपको
सही से मैनेज कर पाते हो, दैट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डेजिग्नेट इंडिविजुअल वेदर इंडिविजुअल इज ए नॉर्मल ऑफ नॉर्मल. तब हम बता सकते हैं एक व्यक्ति को, कुछ रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कपड़े पहनने के ढंग से, आपके खाना खाने के ढंग से, कि व्यक्ति सामान्य है या असामान्य है, क्योंकि वो एक मापदंड का काम. क्लियर? तो जो चार डी मैंने डिस्कस किए उनके अलावा ये कुछ चार अलग अलग मापदंड थे जिनके आधार पर हम सामान्यता का आकलन कर लेते हैं. अब सामान्यता की कुछ विशेषताएं डिस्कस करेंगे, ज्यादातर मैंने आपके साथ कर ली है, एक बार पढ़ लेता हूं. सबसे पहली विशेषता है, सामान्यता का आकलन कई परस्पर कारकों के संदर्भ में किया जाता है. इट्स वेरी म्यूचुअल फैक्टर्स. Means we have to assess or diagnose the normality in respect of, in context of various mutual factors. कई सारे कारकों को देखकर हम सामान्यता का आकलन करते हैं. किसी एक कारक के आधार पर हम किसी व्यक्ति को सामान्य या असामान्य नहीं कह सकते. Second important characteristics of normality is सामान्य व्यवहार को उत्पादक और सबसे अधिक होने वाली घटना के रूप में देखा जाता है. इन अगर व्यक्ति सामान्य है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होगी, उपयुक्त होगी. ओके, देन कम प्रकृति स्थित कंपोस्ट और जिम्मेदार व्यवहार की अभिव्यक्ति. मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मलिटी. यू आर नॉर्मल देन सर्टेनली यू आर गोइंग टू बिहेव इन ए कंपोस्ट वेन रिस्पॉन्सिबल मैन. जैसे कि आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, समाज में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी हैं या मार्केट में हैं, तो आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह वहां व्यवहार करना है. कैसा व्यवहार करना है? इस रोड पर आप जब ड्राइव करते हो तो यू टू फॉलो द रूल्स, ट्रैफिक रूल्स. अगर वहां पर रेड लाइट है और पुलिस वाला नहीं है तो हमें रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए. अगर आप पुलिस वाला देखते हैं नहीं है तो निकाल लिया. So that is not a responsible behavior. So हमें क्या करना होगा? We have to express our responsible behavior in that situation. हमें जिम्मेदार व्यवहार करना होगा वहां पर. ठीक है? So that is also, if you are behaving in responsible way, certainly you are normal. अर्थात वो सामान्यता की विशेषता है अगर हम जिम्मेदार व्यवहार करते हैं. Next comes उच्च मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की अभिव्यक्ति. मतलब आपका जो mental health है और वेलबींग है, यू आर एक्सप्रेसिंग इट. मानसिक स्थिति मतलब कोई ऐसी बात आ जाती है तो आप उसका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, सामाजिक अभिव्यक्ति होती है, आप स्थिति के अनुसार करते हैं, जैसा मैंने कल आपको बताया. अगली विशेषता होती है सामान्यता की, संस्कृति और इसके मानदंड सामान्यता के परिभाषित प्रतिमान होते हैं. याद रखे दोस्तों, जो हमारी संस्कृति है इसके कुछ मानदंड होते हैं, इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं. ठीक है? तो ये मतलब आपका जो समाज है, आपकी जो संस्कृति है, वो ये डिफाइन करती है कि आप किस प्रकार आप रहोगे, आपकी संस्कृति में, आपके समाज में कौन कौन से मूल्य हैं जिसका आप पालन करोगे. तो वो जो समाज के आपके मूल्य हैं, दे आर दी डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ योर ऑफ दिस नॉर्मलिटी. अर्थात उनके आधार पर आप किसी को भी सामान्य या असामान्य का आकलन करने में मदद ले सकते हैं, आप उनकी मदद ले जा सकते. नेक्स्ट, मैंने बताया था सामान्यता एक व्यक्ति पर घटना होती है, सब्जेक्टिव फिनोमिना है, सब्जेक्टिव इवेंट है नॉर्मलिटी. इसको आप किसी स्थिति में नॉर्मल, कहीं पर अब नॉर्मल. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आयरलैंड का एग्जाम्पल दिया था. आयरलैंड के लोग, उनकी जो सामान्य ड्रेस है पुरुषों की, वो स्कर्ट को पहनते हैं. मतलब सब्जेक्टिव है, उनके हिसाब से वो सामान्य है, हमारे हिसाब से वो लोग हैं सामान्य. इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट कम, सामान्यता की विशेषताएं एक संस्कृति में समान एवं एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न भिन्न पाई जाती है, जो आयरलैंड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया. तो ये थी हमारी सामान्य की कुछ विशेषताएं, और ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलिटी, सामान्यता की अवधारणा. दोस्तों ये मेरे रेफरेंसेज हैं, रेफरेंस आप समझते हो ना, संदर्भ, किन किन किताबों का, वेबसाइट को मैंने देखा इस टॉपिक को, इस स्लाइड्स को बनाने में. तो आप भी इन किताबों को रेफर कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं. दोस्तों अब
अगली जो हमारी प्रस्तुति रहेगी वो रहेगी ये असामान्यता की अवधारणा। हालांकि मैंने इसी टॉपिक में अब नॉर्मलिटी के कंसेप्ट को काफी कुछ आपके सामने क्लियर कर दिया है, फिर भी हम इसको बहुत जल्दी ही चर्चा आपके साथ करेंगे। अब बात आती है, आपका कोई प्रश्न है तो मुझे बताया जाए, बताइए। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विद यू जस्ट लेट मी नो। एक दो अगर किसी के मन में, बताइए जी। वो फिनोमिना क्या होता है? फिनोमिना होता है कोई घटना, कोई इवेंट। जिस प्रकार आप एक पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, ठीक है, चलने लगता है पंखा। चलिए मान लेते हैं बिजली है, आपने स्विच ऑन किया है, तो द फैन स्टार्ट रोटेटिंग मूविंग। तो जो फैन का जो घूमना है पंखे, वो एक घटना है, इवेंट है, एक फिनोमिना है। आपका स्विच दबाना है वो एक फिनोमिना है, क्योंकि उसके अंदर कई चीजें हुई है। आप उठे, हाथ उठाया, उसकी तरफ ध्यान दिया, उस स्विच को आपको पता है कि नीचे ही प्रेस करना है। दिस कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ फिनोमिना। ये घटना होती है, एक इवेंट होता है। चलो भाई, एनी मोर क्वेश्चन? सर ये सामान्यता के सामाजिक संकेतक में फर्स्ट पॉइंट है सर, समाज द्वारा व्यवहार की पुष्टि। हाँ सर, ये समाज मतलब असामान्य व्यवहार की पुष्टि कर दे तो क्या उसे हम सामान्य मानेंगे? देखिए बात ये है कि अगर आप अपने समाज में कोई व्यवहार करते हो और आपको कुछ व्यवहार के लिए कोई टोकता नहीं है, तो क्या है, अगर कोई टोकने का मतलब ये है कि सोसाइटी आपके व्यवहार को कंफर्म कर रही है, पुष्टि कर रही है कि आप ठीक कर रहे हो। गलत व्यवहार को हर व्यक्ति टोकेगा। आप गाय को रोटी खिला रहे हो, सुबह कोई नहीं कहेगा क्यों खिला रहे हो, लेकिन वही गाय को दो लठ दे रहे हो आपके सामने, आप बोले क्यों मार रहे हो बेकार में इसकी। क्योंकि जब गाय, आप टोकने का मतलब यहां पर कि उसकी पुष्टि नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं हुआ उसका। अगर आपका व्यवहार का कंफर्मेशन नहीं होता तो आपको लोग बोलेंगे, बताएंगे। कई बार लोग बोलते नहीं, यार पागल है, सुबह गाय को मार दिया इसने। कई बार लोग बोलेंगे भी नहीं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं करेंगे, फिर आपसे ना अलग अपनी दूरी बनानी शुरू कर देंगे। That is a kind of that thing. वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। चलिए और कोई प्रश्न भाई? सर बताइए। सर हमारी सोसाइटी से लगा, अगर हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो उसको असामान्य बोलेंगे? मतलब बोलेंगे नहीं, अगर आपके समाज में आप ऐसा व्यवहार करते हैं जो समाज इसको स्वीकार नहीं करता है। जैसे आपके उम्र का एग्जाम्पल ले लो, हमारा समाज अभी भी लव मैरिजेस को स्वीकार नहीं करता है। यानी कि जब हम अपना पार्टनर स्वयं चुनने की कोशिश करते हैं तो समाज स्वीकार नहीं करता उसको, यहां तक कि बहुत से लोग उसके बाद मारपीट भी करते हैं और आगे तक भी जाते हैं, वी स्टिल डू नॉट एक्सेप्ट। लेकिन शहरों में कुछ जगह होने लगा है, तो अगर बहुत जगह, गांव में तो बिल्कुल नहीं होता है। दिस मीन्स तो वो एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब है, वो जो कदम उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि वो सोसाइटी उस व्यवहार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। This means वो मानते हैं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मान्यता है। That is the point. Next question. गांव में होने लगी सर लव मैरिज, क्या होगी सर हमारे होने लगी? जो गांव के लोग, जो लोग ये पढ़ लिख गए हैं, जो ये लोग समझ गए हैं कि जाति पाति ये सब हमने बनाई है, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा रोड़ा है, तो वो लोग इसको मानेंगे। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी बताइए बताइए। हाँ जी बोलिए। नहीं आवाज आ रही, चलिए मैं बताता हूँ। आई गिव एन एग्जाम्पल। मैं पहले ना स्कूल में पढ़ाता था, केलनिया गांव में एक जगह पढ़ाता था। केलनिया गांव सिरसा में है। पिछले 15-20 दिन पहले की बात है कि एक बच्चे का मैसेज आया। मैंने वो मैसेज ना उसके स्नैपशॉट लेके मेरे स्टेटस पे भी लगा था। मुझे बड़ा गर्व फील हुआ उस समय। उसने कहा कि सर मैंने ना आपका एक लेक्चर अटेंड किया था, कभी किया होगा, और आपने उसमें बताया था कि जो पर्दा प्रथा है, घूंघट है निकालना, वो सही नहीं है, एक तरह से अभिशाप है आज के जमाने में। तो उस लड़के ने क्या किया कि सर उसने लिखा है कि सर मेरी शादी हुई और 7 महीने शादी को हो गए, मैंने अपने घरवालों को विरुद्ध जाकर, समाज के विरुद्ध जाकर आने वाले जो मेरे जीवन साथी थे उनको कहा कि आप घूंघट नहीं निकालेंगे। पहले पहले मेरे घर वालों ने, माता पिता ने, भाई ने, सब ने इसका विरोध किया, गांव वालों ने विरोध किया,
लेकिन 7 महीने तक मैं लगातार अपनी बात पर अड़ा रहा। अब उस गांव में घूंघट की प्रथा खत्म हो चली है। जो नए युवा वर्ग है वो सब उसको स्वीकार करने लगा है। वो कहते हैं कि थैंक्स सर, आपने हमें इतना बड़ा मतलब रास्ता दिखाया, मुझे बड़ी खुशी। अरे उस बच्चे, मैं खुद भूल गया कि मैंने कब उसको लेक्चर दिया। सो सीधा सिचुएशन, पहले एक गांव में अगर 50 महिलाएं हैं, उनमें से अगर एक बिना घूंघट के जाती तो उसको लोग उंगली उठाते थे उसकी तरफ। अब उसी गांव में उल्टा हो गया है, अगर एक महिला घूंघट की जाती है 49 बिना घूंघट की, तो जो बिना घूंघट वाले उसको कहते हैं कि घूंघट क्यों निकाल रहे। क्लियर? सो दैट वाज द पॉइंट आई वांट टू मेक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। भाई कोई प्रश्न नहीं है आपके पास? अगर आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूं यहीं पर, और आज के लिए इतना ही। टुमारो विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ अबनॉर्मलिटी।